भाई गुड मॉर्निंग, भाई सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते। आज के अखबार की न्यूज़ देखी थी तुमने? क्लर्क जो थे उस पे हाई कोर्ट ने HSSC को फटकार लगाई और ये कह दिया कि भाई रिजल्ट ढंग से बनाओ और इस बार अगर कोई केस आया तो उसका भुगतान तुमसे लिया जाएगा, यानी HSSC से। तो HSSC ने बड़े लेवल पे गलती कर रखी थी और वो कोर्ट में प्रूफ हो गई। लेकिन अब दिक्कत ये है, ये रिजल्ट कौन सा था जो लगे हुए उनका था ना शायद ये। अब दिक्कत ये है, अब बड़ी परेशानी ये है कि बहुत सारे लड़कों की शादियां इसी कारण हुई थी। तो अब बहुत सारे लोगों ने लोन ले लिया होगा, गाड़ी ले ली होगी ना। अब एक एज के बाद इंसान सोचता है घर बना लूं, चल भाई किश्तें देता रहूंगा। तो हरियाणा में किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है, इससे ये बात प्रूफ हो गई। तो इसलिए कोशिश करो कि हरियाणा के साथ साथ तुम दिल्ली और सेंट्रल लेवल के पेपर भी 2-4 पास कर पाओ। अभी एक लड़की पिछले महीने आई थी, हमारे रिलेशन में ही थी वो, उसका दोनों जगह एग्जाम क्लियर हुआ, 3 पेपर पास थे, हरियाणा वाले 2 और 1 दिल्ली वाला। तो उसको हमने पहली प्रेफरेंस में कहा सब कुछ छोड़ के दिल्ली चले जा, क्योंकि वहां गारंटी है कि तू लग गई तो लग गई, यहाँ नहीं भरोसा 4 साल बाद करेंगे। पिछले साल ना मुझे ध्यान है 2006 वाले हटा दिए, 2006 वाले PTI थे ना शायद वो लोग, जो 6 में इंसान नौकरी लगा था 2020 में 14 साल में उसने जिंदगी का कितना बड़ा पड़ाव देख लिया। और आप ये देखो सब कुछ इंसान अपनी नौकरी लगने के 2 साल के अंदर अंदर बड़े बड़े डिसीजंस ले लेता है, भाई मुझे ये प्लॉट खरीदना है, ये गाड़ी खरीदनी है, क्योंकि सब चीजें किश्तों पे चलती है। उन लोगों के तो बच्चे किसी के 10वीं में, किसी के 12वीं में, एक पढ़ाई का बोझ, एक पैसे का बोझ जिस टाइम मेन सिर पे आता है इंसान के, उस टाइम नौकरी से निकाल दिए 2020 में। तो आप ये देखो कितना गलत किया। अब ऐसी सरकारों की जैसे भुगतान ये क्यों भुगतते हैं भाई, जो लोग 2 साल पहले लग गए उन्हें 2 साल पहले अगर वो ना लगते तो वो 2 साल से मेहनत कर रहे होते ना, थोड़ी सी आवाज कम कर दो। अब 2 साल उनके बर्बाद करके और अब कह रहे हैं इनको हटा दो। अगर देखा जाए तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो काबिल थे उनके हिसाब से ठीक है, पर ये गलती वो क्यों भुगते हैं जो लग गए? ये तो दोनों का नुकसान है ना, जो नहीं लगे उनका भी और जो लग गए उनका भी। बीच में मजे कौन कर रहा है? HSSC, ये तो मजाक बना के रख दिया। दोनों तरफ के नुकसान में अपने आप को रख के देखो, हम उस तरफ हो तो भी हम फंस गए और हम ना लगे हुए में तो हम भी फंस गए कि हमने इतनी मेहनत की हमारा नंबर नहीं आया। लेकिन इन दोनों का भुगतान आम बच्चा भुगतेगा, लगने वाला भी और बिना लगने वाला भी। HSSC बेशर्म है, उसको अपने आंसर ही नहीं पता। कितनी बार मैं नहीं बताती, किसी पेपर में कुछ मानते हैं, किसी में कुछ, कभी कहेंगे हरियाणा के साथ 5 राज्यों की सीमाएं हैं, कभी कहेंगे नहीं जी 4 की हैं, क्योंकि राज्य की बात कर रही हूँ। उत्तराखंड को अपने आप मान लेंगे, अपने आप नहीं मानेंगे। ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिनमें इनका कोई एक स्टैंड है ही नहीं, मतलब हमें पढ़ाते हुए लगता है कि इनका भरोसा नहीं है, मैं कुछ बताऊं ये कुछ मान लें। इसलिए मैंने कितने सारे आंकड़े डबल डबल कहा कि ये डबल याद कर लेना, इनका भरोसा तो है नहीं। तो इसलिए इसमें तो बस राम नाम जपो, अपनी तैयारी करो, इनका ये नहीं पता कि कब क्या कर सकते हैं ये। तैयारी अपनी नेशनल लेवल के, कोई सेंट्रल लेवल के पेपर की भी साथ साथ करते रहना और सारे फॉर्म्स भरा करो, अकेले हरियाणा के भरोसे मत रह जाना। लग गए बहुत अच्छी बात है यहाँ, लेकिन यहाँ के साथ अगर दिल्ली का या देश का कोई पेपर पास हो तो पहली प्रायोरिटी पर वहां ज्वाइन करना, क्योंकि इनका कोई भरोसा 10-12 साल बाद तक का भी नहीं है। चलो आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हस्तियां पढ़ रहे थे हम।